रहेगा उसमें सख्ती बरती जाएगी। तो आंध्र प्रदेश मशाक बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह जकाउद्दीन हुसैनी ने कहा कि जब दवा काम नहीं करती तो दुआओं का एहतमाम किया जाना चाहिए। जकाउद्दीन हुसैनी ने एपी के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी से कर्फ्यू के दौरान इबादत गाहों में इबादत की इजाजत देने की अपील की है। जो लॉकडाउन किया है सुबह 6 से लेकर 1 बजे तक तो अच्छी बात है, लेकिन 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करता है। हम ये जानते हैं कि जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। जब कोरोना की कोई दवा ही अभी निकली नहीं है, वैक्सीन लेने के बावजूद भी एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन लेने के बावजूद भी आवाम मर रही है, इंसान मर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम दुआओं का सहारा लें। तो हुकूमत आंध्र प्रदेश हम मुतालिबा करते हैं कि आप मंदिरों में, मसाजिदों में, चर्चों में दुआओं का खुसूसी इहतमाम करें और खुसूसी एक साथ मुसलमानों से मुतालिबा करें कि आप अपनी मसाजिदों में नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद खुसूसियत के साथ कोरोना को दूर करने के बारे में दुआ करें और अपने कानून में एक तब्दीली लाए कि मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू, जो भी अगर अपनी इबादत को गाँव को जा रहा है तो उसे रोके ना, पुलिस उसे रोके ना, इबादत गाहों से जाने से ना रोके और आप अपने अपने इबादत गाहों में कोरोना वायरस को दूर जाने के लिए दुआ करने का मुतालबा करें और हमारा मुतालबा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौट